दोस्तों मार्केट में ऐसे कई तरह के फ़ोन अवेलेबल हैं जो आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, पर उनके लिए फ्रेंड्स आपको एक अच्छा खासा रकम भी चुकाना पड़ता है। और शायद जिनका बजट लो होता है वो ये सोचते हुए रह जाते हैं कि इस बजट में मुझे कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिलने वाला, और फिर वो सेकेंड हैंड की तरफ रुख करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी सेकेंड हैंड फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो फ़ोन लेने से पहले मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक ही है बेस्ट फ़ोन अंडर 5000। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और लेट्स डू इन्फिनिटी टेक के एक और नए वीडियो पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आठवें नंबर पर हमारा जो फोन आता है वो है पैनासोनिक का, पैनासोनिक इल्यूगा i7, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस फ्रेंड्स 5000 है। और फ्रेंड्स अगर हम बात कर ले इस छोटे से फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको क्वाड कोर 1.3 GHz का मीडियाटेक MT6737 का प्रोसेसर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर ले रैम की, तो वो है फ्रेंड्स 2GB का, तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छे खासे गेम्स भी खेल सकते हो। अब हम फ्रेंड्स आते हैं डिस्प्ले पर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5.4 इंचेस की एक डिस्प्ले दी गई है, जहाँ पर आपको फ्रेंड्स 295 PPI का IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों अब आ जाते हैं कैमरा के ऊपर, तो दोस्तों आपको रियर की तरफ 8 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक LED फ्लैश भी देखने को मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स हम लोग बात कर ले फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ फ्रेंड्स आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ फ्रंट कैमरा में भी आपको LED फ्लैश दिखने वाली है। और फ्रेंड्स अब बैटरी की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी जो है वो 4000 mAh मिलने वाली है। दोस्तों सातवें नंबर पर हमारे पास कोई स्मार्टफोन नहीं आने वाला, बट फ्रेंड्स ये एक छोटा सा फोन कई सारे स्मार्टफोन्स के बराबर का वर्क करने वाला। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ नोकिया जैसे बड़े ब्रांड की, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कीपैड फ़ोन को रखा है, जिसका नाम है फ्रेंड्स नोकिया 3310। और फ्रेंड्स इसकी प्राइस आपको 3000 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगी, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2.4 इंचेस का एक डिस्प्ले दिया गया है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ 2 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको फ्रेंड्स यहाँ 1200 mAh की एक लंबी बैटरी मिलने वाली है। बिकॉज फ्रेंड्स ये कीपैड फ़ोन है, तो आपकी बैटरी लंबी और अच्छी खासी टिकने वाली भी है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने सातवें नंबर की फ़ोन की ओर आ चुके हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक जाना पहचाना सा ब्रांड ही सुनने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स उस ब्रांड का नाम है आईटेल A23। और दोस्तों ये फ़ोन आपको हर फोन के एक्सेप्टेशन में काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 3849 रुपीज़ पे करने हैं। इसी प्राइस पॉइंट पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लाइक फ्रेंड्स अब हम लोग चलिए इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वाड कोर का 1.4 GHz का प्रोसेसर दिया गया, जो फ्रेंड्स आपको 1GB रैम के साथ आती है। और दोस्तों अगर हम लोग अब डिस्प्ले की बात करें, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले 5 इंचेस का देखने को मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों आप 480p तक के वीडियोस को चला सकते हो। और फ्रेंड्स अगर हम इसके डिस्प्ले की बात कर ले, तो फ्रेंड्स ये आपको IPS LCD डिस्प्ले के साथ आती है। दोस्तों अब हम लोग रुक करते हैं कैमरे की ओर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 2 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया, और फ्रेंड्स आपको LED फ्लैश के साथ ये कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग अब बैटरी की बात कर ले, तो यहाँ पर आपको 2050 mAh रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब पांचवें नंबर की तरफ भी हम लोग आ चुके हैं, और फ्रेंड्स ये फ़ोन जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था, आप लोग गेस कर रहे होगा, फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोमैक्स। और फ्रेंड्स इस फ़ोन का नाम हमारे देश पर ही रखा गया, माइक्रोमैक्स भारत 2 प्लस। और फ्रेंड्स इस फ़ोन की प्राइस की बात कर ले, तो ये आपको 2495 रुपीज़ में देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स यहाँ परफॉर्मेंस की बात कर ले, तो वो आपको क्वाड कोर 1.3 GHz के साथ देखने को मिलेगी, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको 1GB रैम भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब डिस्प्ले की बात कर ले, तो इस फ़ोन का डिस्प्ले 4 इंचेस का होने वाला है। अब हम लोग आते हैं कैमरा की ओर, तो दोस्तों आपको यहाँ बैक की ओर 5 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फ्रेंड्स ये कैमरा LED फ्लैश के साथ आती है। और दोस्तों अगर हम लोग अब बात करें फ्रंट कैमरा, तो दोस्तों फ्रंट कैमरा यहाँ आपको 2 MP का दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ बैटरी 1600 mAh की है, जो आप रिमूव कर सकते हो। दोस्तों एक ब्रांड जिसकी फ़ोन आप बहुत ही कम देखते होंगे मार्केट में, फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ iWoomi M3 की। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट नंबर पर जो फ़ोन आती है वो यही है, जहाँ फ्रेंड्स अगर हम बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ मीडियाटेक MT6737 का प्रोसेसर 2GB रैम के साथ दिया गया है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ डिस्प्ले की ओर हम लोग नज़र मारें, 5.2 इंचेस का IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग कैमरा की बात करते हैं, रियर और बैक फ्रेंड्स दोनों ही जगहों पर 8 MP का कैमरा दिया गया है, जहां फ्रेंड्स आपको बैक की ओर एक फ्लैश लाइट भी दिया गया है। और दोस्तों यहां बैटरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आपको 3000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। और फ्रेंड्स इसकी प्राइस 4049 रुपीज़ से शुरू होती है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पर मैंने जो फ़ोन रखा है वो है फ्रेंड्स इंटेक्स का एक्वा एयर टूर, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है फ्रेंड्स 4889। और फ्रेंड्स अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर आपको
मीडिया टेक का MT6572W का प्रोसेसर 1GB रैम के साथ दिया गया है। वहीं पर फ्रेंड्स यहां पर डिस्प्ले आपको 5 इंचेस की दी गई है। दोस्तों यहां पर आपको बैक की ओर 2 मेगापिक्सल का कैमरा LED फ्लैशलाइट के साथ दिया गया है। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरा की ओर आ जाए तो फ्रेंड्स यहां पर आपको 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फ्रेंड्स यहां पर हम लोग बैटरी की बात करें तो यहां आपको बैटरी 2300mAh की दी गई है। तो दोस्तों ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक लो बजट फ़ोन था, मगर अगर गौर किया जाए तो यहां पर कई सारे फीचर्स को इन्होंने घटा कर रखा है। तो आप क्या इस फ़ोन को लेना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं नंबर 2 की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन जो एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, और फ्रेंड्स बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ लावा के Z41 मोबाइल फ़ोन की। और फ्रेंड्स ये आपको 4199 रुपीज़ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर हम लोग इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कोर 1.4 GHz का प्रोसेसर 1GB रैम के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर कैमरा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा 5 मेगापिक्सल का, और फ्रेंड्स आपको फ्रंट की और 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जहाँ आपको LED लाइट प्रोवाइड नहीं की गई है। तो दोस्तों अब बैटरी यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2500mAh मिलने वाली है, इसे आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। सो दोस्तों हमारे नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन आता है, आई होप आप सब ने गेस जरूर कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए बिना सस्पेंस रखे हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट नंबर पर जो स्मार्टफोन आती है वो है फ्रेंड्स सैमसंग की तरफ से। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M1 कोर की, जो दोस्तों 4999 रुपये से शुरू होती है। और फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फ़ोन है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर भी आपको सैमसंग कई तरह के स्पेशल फीचर्स दे रहा है। लाइक अगर हम लोग बात कर ले इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मीडियाटेक का MT6739 का प्रोसेसर 1GB रैम के साथ देखने को मिल जाएगा। और वहीं फ्रेंड्स डिस्प्ले जिसके लिए सैमसंग हमेशा ही पॉपुलर रहता है वो 5.3 इंचेस की फ्रेंड्स आपको इस प्राइस पॉइंट पर मिल रही है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा विथ LED फ्लैशलाइट, और फ्रेंड्स आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और दोस्तों अब आती है बारी बैटरी की। दोस्तों यहाँ पर आपको 3000mAh की बैटरी दी गई है जो नन रिमूवेबल फीचर के साथ आती है। सो फाइनली फ्रेंड्स इतना ही था इस वाले वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जल्द ही नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर से मिलते हैं।